आ रही है नागा चैतन्या की एक नई रोमांटिक मूवी जिसको नाम दिया गया है लव स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, नागा चैतन्या की एक नई मूवी हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है और आज नागा चैतन्या का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर इस मूवी का पोस्टर लॉन्च किया गया है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये मूवी हमें कब और कहाँ देखने को मिलेगी, इस मूवी की रिलीज डेट क्या है और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ये मूवी हिंदी डब्ड में रिलीज होगी या नहीं। तो सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखना और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की साउथ की नए मूवीज की अपडेट्स और डाउनलोड लिंक्स लाते रहते हैं। दोस्तों, नागा चैतन्या की अपकमिंग मूवी जिसका नाम है लव स्टोरी और ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी होने वाली है जिसके लीड रोल में हमें नागा चैतन्या, साई पल्लवी और राव रमेश दिखाई देंगे। वही अगर बात करें इस मूवी के बजट की तो इस मूवी का बजट 30 से 35 करोड़ के आसपास है और अगर बात करें इस मूवी के डायरेक्शन की तो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं शेखर कमूला, जो कि इससे पहले फिदा और अनामिका जैसी काफी सारी लव स्टोरी मूवी बना चुके हैं। और अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो ये मूवी आधारित होगी एक प्यारी सी लव स्टोरी पर जिसमें रोमांस करते हुए नजर आएंगे नागा चैतन्या और साई पल्लवी। वहीं इस मूवी के डायरेक्टर शेखर कमूला का कहना है कि ये लव स्टोरी मूवी बाकी लव स्टोरी मूवीज से काफी अलग होगी, हमें घिसी पिटी लव स्टोरी देखने को नहीं मिलेगी, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस मूवी में हमें क्या नया देखने को मिलता है। बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप इन दोनों में से किसके फैन हो, नागा चैतन्या के फैन हो या फिर साई पल्लवी के फैन हो, आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की तो इस मूवी की रिलीज डेट से जुड़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। फिलहाल इस मूवी की शूटिंग चल रही है और बहुत जल्द इस मूवी की शूटिंग को कम्प्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन ये मूवी हमें नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिलेगी और ऐसा माना जा रहा है कि इस मूवी को नेक्स्ट ईयर मार्च या अप्रैल में रिलीज किया जा सकता है और फिलहाल इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाएगा। लेकिन अगर आप इस मूवी को हिंदी डब्ड में देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल वाले आइकॉन को दबा दें ताकि इस मूवी से जुड़ी जो भी अपडेट हो आपको मिलती रहे।